जादी लीडर बनेगी, देखना चाहती मैं उसे कहां ले जा रही हूं, क्या करूंगी। चल तू चल 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 दिखा दे। तू देखना चाहती है मैं इसके साथ क्या करने वाली हूं। देख मैं उसके साथ क्या करने जा रही हूं, देख। औरत जो औरत के नाम पे कलंक है, कहना दिया तुझ पर। सर ऐसी गलती करके
तूने अपनी क्या हालत बना ली। बार बार कहा है जब तक इस जेल में है अपने कान और आंख बंद रखा कर, मेरी सुनती कहां है? क्या करूं, हर वक्त ये आंखें मेरी कुट्टी को तलाशती रहती, पता नहीं कहां होगी, होगी भी या नहीं। ऐसा नहीं कहते, तेरी गुड्डी जहां भी है अच्छी है। मैं जानती हूं तू अपनी गुड्डी से कितना प्यार करती है। अगर गुड्डी नहीं तेरे तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। भगवान पे भरोसा रख, तेरी गुड्डी जरूर मिलेगी। नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। सुन, तू मेरी बेटी पूजा से क्यों नहीं कह देती? वो बहुत बड़ी पत्रकार है, उसे जरूर ढूंढ निकालेगी। ये क्या सर, आपने मेरा आर्टिकल क्यों नहीं छापा? अगर आप इन मुद्दों को नहीं छापेंगे तो क्या हम राष्ट्रपति, नेताओं और वीआईपी के मुद्दों तक ही रह जाएंगे? नहीं पूजा, तुम भी कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा स्टेटमेंट भी छपे। क्या सिर्फ ये छाप देना? हमारे अखबार का मकसद है कि इस शहर में इतने कटे, इतने मरे और इतनों के साथ बलात्कार हुआ, क्यों लटका कर रखा है जय हिंद दैनिक का तख्ता? नोच कर फेंक दीजिए इसे। अरे भाई भाई, वो बहुत दिनों से तुम्हारा मोटर मैकेनिक नजर नहीं आया, कहाँ है वो? मोटर मैकेनिक नहीं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। वो गाड़ी बनाना भी जानता है और गाड़ी चलाना भी। राहुल भैया को पुलिस ले गई। कल आ जाना, चल। किस जुर्म में गिरफ्तार किया है तूने मुझे? कौन सी दफा लगाएगा मुझ पर? चिल्ला मत, 302 लगाऊंगा और जिंदगी भर के लिए डाल दूंगा। कानून को तू अपनी जागीर समझता है रखेल? कि तेरा जब जी चाहा उसका इस्तेमाल किया, उसके साथ बलात्कार किया और परोस दिया उनके सामने जिनके तू दल विचारता है और जिन्हें तू अपना बाप मानता है। अबे चुप तेरी तो। इंस्पेक्टर साहब, चांदी जी ने उसे, राहुल मेरा दोस्त है, बहुत ही शरीफ है। ओ, तो तेरा दोस्त है जी? अपने शरीफ दोस्त की जुबान तो तू सुनी रहा है जी? जा और जाकर समझा उसको, नहीं तो इतने डंडे पड़ेंगे कि मादर जात याद आ जाएगी। इसे मैं समझा दूंगा, प्लीज। इसके ऊपर ये फिल्मी भूत सवार हुआ है, एक न एक दिन ये फिल्मी भूत इसकी जान लेकर छोड़ेगा। देखिए ना, आज इसके ऊपर घायल का भूत सवार हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, प्लीज मेरी खातिर इसे छोड़ दीजिए ना आज। मैं निकालता हूँ, इधर आ। ठीक है राकेश जी, छोड़ दो उसे। हाँ, थैंक यू। एक बार समझाया तुझे, समझता ही नहीं है, अब तो सुधर जा। क्या कमी है तेरे पास? रईस है, पिताजी का दिया हुआ इतना बड़ा गराज है, हाथ में हुनर है। अरे ढंग से काम करेगा तो अच्छे अच्छे हीरो तेरे सामने जीरो नजर आएंगे। अबे तू क्या जानता है हीरो किसे कहते हैं, हीरो का स्टाइल क्या होता है, उसकी ठाट बाट क्या होती है, कितनी लड़कियां उसके पीछे मरती हैं, तू क्या समझेगा? अब भी कहता हूँ सुधर जा, वरना वो दिन दूर नहीं है कि पूजा भी तेरे साथ बात नहीं करेगी। अरे पूजा, अरे बाप रे, वो वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। राहुल मैं तुझे बाद में बताऊंगी। कुड़ी ये जवाब नहीं तेरी चुनर का, आज पता चला हमें इसके हुनर का। ओए कुड़ी ये जवाब नहीं तेरी चुनर का, आज पता चला हमें इसके हुनर का। देती है संदेशा ये इधर उधर का, देती है संदेशा ये इधर उधर का। चुनरी तुम्हारी बड़ी लाजवाब है, गले से लिपटती है आशिक मिजाज है। कुड़ी ये जवाब नहीं तेरी चुनर का।
बीवी है। पत्रकार जयंत की बीवी? अगर बुरा न लगे तो एक बात पूछूं आपसे, आपने अपने पति का कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल नहीं किया, वो तो देवता थे। उस दिन हम बहुत खुश थे। तान्या! 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इतना बड़ा सम्मान भी। और ये भी यकीन हो गया है भैया कि आप ईमानदारी का बोझ बड़ी आसानी से उठाकर गोल गोल घुमा सकते हैं। तुझे अभी बताता हूँ शैतान कहीं कि तू रुक। देखो भैया, Hmm.
क्या बात है? कुछ नहीं। झूठ। मैं आपकी चेहरे की भाषा अच्छी तरह जानती हूं। बताइए क्या बात है? तान्या, सब कुछ होते हुए भी हमारी जिंदगी कितनी बेजार और बेजान लगती है। बस आप क्या कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूं। मेरी तरफ देखिए, मैं एक औरत हूं और हर औरत का सपना होता है उसका अपना बच्चा हो, मगर मुझे कोई दुख नहीं है कि हमारा अपना बच्चा नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये घर, प्यारा सा पति जो ईमानदारी से मेहनत से अपना नाम कमाता है, और बच्चा, बच्चा हमारा बच्चा मतलब बच्ची गुड्डी। गुड्डी क्या हमारी बच्ची नहीं है? याद कीजिए, बचपन से आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप उसके लिए सिर्फ बड़े भैया ही नहीं, माँ बाप से भी बढ़कर है। क्या आप उसे अपनी बच्ची नहीं मानते? अरे भाई, भगवान से और क्या क्या मांगोगे? बेचारा भगवान और क्या क्या देगा। अब बहुत हो गया, हंस दो। हंस दो ना, हंस दो ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू तान्या, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ये रखी थी कहाँ चलेगी? तान्या, तान्या, मैंने यहाँ जोगी ठाकुर की फाइल रखी थी, तुमने देखी? यही रखी थी मैंने, पता नहीं। अरे तुम्हारे पास है। जो आप करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है? तान्या, अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो तुम्हारा जयंत कुछ भी कर सकता है। देखो, मुझ पर विश्वास रखो। टेक केयर। आइए आइए जैन साहब, कैसे आना हुआ? और दिन तो रिपोर्ट लेने आता था, आज लिखवाने आया हूं। किसकी शामत आने वाली है भाई? है एक, जिसे दुनिया धर्मात्मा मानती है, मसीहा मानती है उसे, मगर मैं उसे सिर्फ माफिया मानता हूं, सिर्फ माफिया। और कल जब दुनिया के तमाम अखबारों में उसके खिलाफ लिखा हुआ मेरा आर्टिकल छपेगा तो लोगों के सामने उसकी सच्चाई खुल जाएगी, और फिर बौखलाहट में वो कुछ भी कर सकता है, मुझ पर या मेरे परिवार पर हमला भी। मगर वो है कौन? जोगी ठाकुर। देखा, उसका नाम सुनकर आप भी कैसे डर गए? अरे वो है ही ऐसा इंसान जिसका नाम सुनकर याद में डर जाए, लेकिन मैं नहीं डरता हूं। हां, अपने परिवार की थोड़ी फिक्र रहती है। मिस्टर जयंत, आपके कह देने भर से? मैं नहीं, मेरे पास मौजूद सबूत कहेंगे, और ये उसका वजूद मिटाने के लिए काफी है। बस आपसे रिपोर्ट लिखकर मेरे परिवार को सिक्योरिटी दे दीजिए, फिर कल देखिए तमाशा। जयंत साहब, अगर रिपोर्ट लिखवाने से पहले एक बार सोच लेते तो मेरा ख्याल। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस और पत्रकार सोचते नहीं है, सिर्फ करते हैं। चलता हूं। वो शुभ प्रभात बहन जी। मेरी मान अमेरिका सटक ले। अब क्या टेंशन है? अपनी बेंगलोर वाली शुगर मिल घाटे में चल रही है। 150 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है, उसे बंद क्यों नहीं कर देते? हेलो, एक मिनट बंद कीजिए। नहीं, मेरा मतलब है होल्ड कीजिए, कंपनी का फोन है, लेना। हो जाएगा, काम हो जाएगा कंपनी, जबान देता हूं मैं।
50 जाने जा सकती हैं मगर मेरी जबान नहीं। ये जोगी ठाकुर का वादा है। भांजे, इलेक्शन के बाद जो पेमेंट आया था वो स्विस बैंक में हमारे अकाउंट में जमा हो गया है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गया है। नमस्कार ठाकुर साहब। शर्मा जी, इस वक्त आपको विधानसभा में होना चाहिए, आप यहाँ पर। ठाकुर साहब, आदमी जब परेशानी में होता है तो भगवान के पास आता है। और आपका दरबार मेरे लिए कोई मंदिर से कम थोड़े ही है। इसी मंदिर से ही तो मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रसाद में मिली थी। और अब वही कुर्सी खतरे में पड़ी। आपको पता है? भगवान शिव की तो सिर्फ 3 आंखें थी शर्मा जी, हमारी 1000 आंखें हैं। मेरी कुर्सी सिर्फ आप ही बचा सकते हैं ठाकुर साहब। वो त्रिपाठी है ना, उसके पास 10 MLA हैं। अगर उनका सपोर्ट मुझे मिल जाए तो। मंत्री जी, सपोर्ट वपोर्ट ऐसे नहीं मिलने वाला। सपोर्ट के लिए भांजे को पासपोर्ट चाहिए, पैसे वाला। अजी, आप जितनी रकम कहेंगे मैं उतनी भिजवाने को तैयार हूँ। तुम्हारा बीपी हाई है क्या? बीपी नहीं तो। हेलो, शांति से बैठो। त्रिपाठी जी लेना। कैसे हैं त्रिपाठी जी? ठाकुर साहब, आप भाभी जी और बच्चे कैसे हैं? ठीक है, मगर ठाकुर साहब बात क्या है? बच्चे तो मणिभाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना? उसी कॉलेज में पिछले महीने आपके मित्र पांडे जी के बेटे का मर्डर हुआ था, है ना? जी, मगर। और आप भी अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं जैसे पांडे जी किया करते थे, है ना? घबराइए मत, हम भी आपके बेटे को बहुत प्यार करते हैं। अरे हाँ, शर्मा जी हमारे अपने आदमी हैं। हम चाहते हैं कल आप और आपके साथी शर्मा जी के पक्ष में वोट दें। लेकिन ठाकुर साहब, लगता है हमारी बात आपकी समझ में नहीं आई। बीपी हाई है क्या? शर्मा जी, आपका काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। नमस्ते ठाकुर साहब। काम की बात कर। नमस्ते भाभी जी। कहिए। मैं जयंत साहब का कलीग शेखर हूं, उनकी एक फाइल यहां छूट गई है, वो बिजी थे इसलिए मुझे भेजा। फाइल देखती हूँ। भाभी जी, एक ग्लास पानी मिलेगा? अभी लाती हूँ। पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? आपने बुलाया, बंदा चलाया? अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सब लोग मिले हुए हैं। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। चुप! अय्या, अय्या, गुड्डी, तान्या, ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपकी मौजूदगी में ये सब क्या हो रहा है? क्या करें जयंत बाबू, देश की हालत इतनी खराब हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं रही। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारी आंखों के सामने गुंडे लूट मचा रहे हैं और तुम तान्या, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ए, तुमने जयंत से कागज छीने हैं, उसकी जबान नहीं, मेरी जबान से निकली हर बात तेरे जोगी ठाकुर की जात का खुलासा करेगी। कल के बाद वो शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लोग उसे पागल कुत्ते की तरह पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। भैया, 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 भैया,
गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तान्या ने अपने पति पत्रकार जयंत का खून किया। इसलिए दफा 302 के तहत तान्या को उम्र कैद की सजा दी जाती है। आपने फिर ये क्यों कबूल किया कि आपने जयंत साहब का कत्ल किया है? मेरी मजबूरी थी, उन्होंने मेरे कुट्टी को किडनैप कर रखा है। उस दिन से कोई मेरी कुट्टी मुझे आज तक नहीं मिली। वो मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं उसे ढूंढूंगी, मैं उसे ढूंढूंगी दीदी। अच्छा दीदी, आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? मेरी सब कुछ है, इसे ढूंढ कर ला दो। मेरा विश्वास रखो, मैं ढूंढ कर लाऊंगी। मत रो। सॉरी। जी, थैंक यू। कौन है ये? इतनी नाजुक, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, क्या हुआ इसे? अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए बैठिए। थैंक यू। ये लेट जयंत की छोटी बहन है, काफी दिनों से लापता है। कमाल है, और आप आज रिपोर्ट लिखवाने आई हैं? जी हाँ, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला। वेरी फास्ट, आज आपको पता चला और कार्रवाई के लिए यहाँ पर हाजिर। मैं भी आपसे ऐसे ही फास्ट एक्शन की उम्मीद रखती हूँ। मुंशी जी। यस सर। जाइए रिपोर्ट लिखवा दीजिए। क्यों हीरो, कहाँ रह गई तेरी दिल की ठंडक, तेरी आंखों का चैन? तू चिंता मत कर, वो जब भी आएगी कोई ना कोई तूफान अपने साथ लेकर आएगी। बिल्कुल सही बोला तू। समझता क्या है अपने आप को, अभी तक जाना नहीं है। पूजा माथुर को उसी के थाने में परेड करवा दूंगी उसकी। ये लो। क्या हुआ पूजा? होना क्या है, होगा वही जो होता आया है। पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। एक ऐसा आदमी नहीं है जो ड्यूटी के प्रति लॉयल हो। पर हुआ क्या पूजा, ये तो बताओ। मैं अपनी मम्मी को मिलने जेल गई थी। वहाँ एक कैदी है तान्या, उसको उसी के पति के कत्ल के जुर्म में किसी ने झूठी गवाही देकर फंसा दिया और गुड्डी को भी उठा कर ले गए। अब ये गुड्डी कौन है? तान्या के पति लेट जयंत की छोटी बहन। अरे उसी की तो गुमशुदा होने की रिपोर्ट में पुलिस स्टेशन लिखवाने गई थी। तो प्लीज विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी भी हालत में तान्या की मदद करूंगी, और तुम दोनों आउट ऑफ द वे मेरी मदद करोगे। आई एम वेरी बिजी, मैं अभी प्रेस जा रही हूँ। बाय बाय। किस अखबार के लिए लिखती है वो? जय हिंद के लिए ठाकुर साहब। क्या नाम बताया उसका? पूजा। पूजा। क्या हुआ सर, ये सब क्या हुआ? ये तू पूछ रही है? देख पूजा, जानबूझी अनजान मरने की कोशिश मत कर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी कलम का कमाल है, कलम का कमाल। पूजा तू यहाँ से चली जा, जा तू भाग जा पूजा यहाँ से। ये सर, देख मेरी हालत देख, हर आट पे लगता है जैसे कोई गोली मार देगा, कोई चाकू मार देगा, और तेरा इतना अच्छा संपादक मारा जाए तू भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूजा तू जा यहाँ से। आपके दुश्मन सर, क्या हुआ मुझे सच सच बताइए, क्या हुआ? मैं तो मरा ही महसूस कर रहा हूँ, जैसे कहीं एक तस्वीर लगी हो, एक बुत बना हो जिस पर लिखा हो संपादक राजेंद्र मिश्रा, जन्म 28 फरवरी 1956, मौत 14 अगस्त 2001। पूजा तू जा। सर आप मुझे बताइए सर, उसका नाम बताइए, आप किससे इतना डर रहे हैं? कौन है,
कौन है सर? बाहर, बाहर देख। कोई नहीं है बाहर, आप मुझे बेफिक्र होकर बताइए कौन है। जोगी ठाकुर। जोगी ठाकुर। जोगी या भोगी, धर्मात्मा या धर्म की आड़ में छिपा हुआ हत्यारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़पेपर कह रहे हैं। देखी उस दो कौड़ी की लौंडिया की हिम्मत देखी। मामा, ये अखबार यहां लेकर आए हो, बेहतर होता इन्हीं अखबारों में लपेटकर उस हरामखोर की लाश यहां लेकर आते। भांजे, ये तो अब भी हो सकता है, लेकिन जरा सोच, उस चिंगारी को हवा किसने दी? किसने उसके अंदर तेरी खिलाफत करने की हिम्मत पैदा की? उस कुतिया सरजा ने, जिसको तुमने जेलर बनाया। वो रिपोर्टर उसी की जेल में तानिया से मिलकर आई। यही नहीं, तानिया की छोटी बहन गुड्डी की फोटो भी लेकर आई। भांजे, मुझे तो डर लग रहा है मेरी मान अमेरिका सटक ले। मामा! सरजा, अब मुझे महसूस हो रहा है कि ज्यादा छूट देना भी अच्छी बात नहीं है। तूने जेल में इतने हंगामे किए, मगर मैंने हमेशा अपनी आंखें बंद रखी। आंखें बंद रखी या नहीं, मगर जेल से गुड्डी की तस्वीर बाहर आ जाए और फिर उस तस्वीर की बदौलत अखबारों में मेरे खिलाफ कॉलम छपने लगे, मेरे चरित्र, मेरे व्यक्तित्व पर समाज में उंगली उठने लगी, तब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए बोलते क्यों नहीं? मुझे क्या करना चाहिए? एक मौका और। ए, 160। उठो, खड़े हो, चलो। अरे उठना। अरे इसका कसूर क्या है? हट बुढ़िया, छोड़ तू। हट, अरे छोड़ दे इसे। ठीक है, शांति। मिलने, क्योंकि आज की रात इसकी आखिरी रात है। जोगी ठाकुर का हुक्म है, चल। अरे हट बुढ़िया, मत ले जाओ। छोड़, मत ले जाओ। शांति, तानिया को मत ले जाओ। आओ विकी, आओ। कहाँ थे अभी तक? बैठो, लो दारू पियो। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। इंस्पेक्टर मोहन के होते हुए डरता है? बता कौन है साला, उसको घसीट कर बुलवाता हूँ और तेरे सामने पटक पटक के मारता हूँ। कल से वो तुझसे ही डरने लगेगा। दुबे! नहीं नहीं, इसी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे पता चला कि कोई पूजा नाम की पत्रकार है, वो तान्या के केस के बारे में पूछताछ कर रही है, गुड्डी को भी ढूंढ रही है। मुझे लगा कहीं मैं ना फंस जाऊं। हीरो जैसी पर्सनालिटी है और लड़कियों से डरता है? अरे लड़कियां तो निहारने की चीज है, पुचकारने की चीज है। और खैर छोड़, जोगी ठाकुर आज तेरा सारा डर दूर कर देगा। तान्या आज साफ। हाँ। और रिपोर्टर तो ऊपर वाले को रिपोर्ट कर चुकी होगी। मतलब? मतलब क्या, पूजा की आरती सज चुकी होगी और तान्या की आरती सज जाएगी। चेले साहिबा ने बुलाया है। चला चल। राहुल, लेट्स गो। क्या बात है, लेट्स गो। इतना घबराया क्यों है? जोगी ठाकुर के आदमी आने वाले हैं। बिफोर दैट लेट्स गो। जोगी ठाकुर, कम ऑन, लेट्स गो। अब लेट्स गो, आई सेड।
मुझे जोर से पकड़। देख अब बेटा। हरामजादी, आज तूने समय से पहले ही मौत को दावत दे दी। तानिया, चल चल जल्दी जल्दी चल। आगे मत बनना। चल भाग। शांति। तानिया तू जा। तानिया जा। मेरी फिक्र मत कर। नहीं। कुछ नहीं होगा। बकोगे भी या यूं ही हाफते रहोगे? वो तो जेल से भाग गई। कौन? सरजा? नहीं, नहीं, वो तो घायल हो गई। तानिया उसी को तो गोली मार के जेल से भाग गई। मुझे तो डर लग रहा है भांजे, मेरी मान अमेरिका सटक ले।
विकी, बस ये जगह अपने लिए सेफ है, तो गाड़ी को ठिकाने लगा, तब तक मैं इन्हें अंदर ले जाता हूँ। कम ऑन पूजा। ऑफिसर्स, हम, आप और हमारा डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है इस बात का सबूत आप आज के अखबार की सुर्खियों से पता कर सकते हैं। एक मामूली सी औरत तान्या न सिर्फ जेल की दीवार तोड़कर फरार हो गई, बल्कि जाते जाते जेलर सरजा को गोली मारकर उसने हमारे पूरे डिपार्टमेंट को नकारा साबित कर दिया। एक से एक काबिल ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, लेकिन उस औरत ने हम सब की काबिलियत को अंगूठा दिखाकर हम सबको जलील किया है। इंस्पेक्टर मोहन, जिनके क्षेत्र में जेल आता है, वो इस घटना के हो जाने के दो दिन बाद तक ये नहीं बता पाए कि वो औरत अभी भी शहर में है या शहर से फरार हो गई है, और ये हमारे डिपार्टमेंट की शान है। सर मैं शट अप, सिट डाउन। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट तान्या वेदर अलाइव और डेड। दीदी, गुड्डी, गुड्डी, दीदी मैं पूजा, गुड्डी, गुड्डी, दीदी, गुड्डी, तान्या, योर ऑनर, शादी से पहले और शादी के बाद इस औरत के मेरे साथ संबंध थे। ऐसे नाजायज संबंध तो इस औरत ने पता नहीं कितनों के साथ निभाए होंगे, पर मुझे कहां मालूम था सब कि यह औरत अपने पति का ही खून कर बैठेगी। बचा, कितनी रातें बिताई तूने मेरे साथ, कितने मर्दों के साथ मैं सोई हूं, बता, बताता क्यों नहीं? अपनी आवाज मिटाने के लिए कितनी बार तेरे सामने गिर गया आया, बता, बता, बचा, 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 बचा। दीदी, 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 इसने, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इसी के वजह से मेरी कुट्टी मुझसे बिछुड़ गई है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं, अच्छा, दीदी, दीदी, इसे छोड़ूंगी नहीं, दीदी, छोड़ो इसे, देखो, दीदी, अब डर मत, संभालो, होश में आ तान्या, इसने मेरे साथ क्या किया? तू इतनी नीच हरकत कर सकता है? इतना गिरा हुआ इंसान है तू? तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, इतना जलील और कमीना इंसान मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, और अगर दोस्त है तो दोस्ती के नाम पे तू एक गाली है, धब्बा है तू दोस्ती के नाम पर, छी, तू है तुझ पर, तू, हाँ, तू को, तुम सब तू को मुझ पर, क्योंकि मैं एक गुनेगार हूं, एक मतलब परस्त इंसान हूं, एक धोखेबाज हूं मैं, ठीक कहते हो तुम, मेरी दोस्ती गाली है, जब से मैंने होश संभाला तब से लेकर आज तक न जाने कितनी झूठी गवाहियां देने का गुनाह किया मैंने, मगर आज पहली बार यह महसूस हुआ कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। अफसोस इस बात का है कि तुम में से किसी ने पूछा तक नहीं कि क्यों किया मैंने ये सब। जब भूख लगती है ना और एक गुना रोटी की आस बनकर सामने आ जाता है तो कोई भी भूखा यह गुना कर सकता है, और अगर यकीन नहीं आता तो पूछा किसी गुनहगार से कि उसका पेट उसे यह करवाता है। लावारिसों के बीच पला बड़ा हुआ, अपना पेट भरने के लिए
दूसरों का मोहताज रहा और जवान होते किसी ने उंगली दिखाकर मुझे कोर्ट का रास्ता बता दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने इसे अपना पेशा बना लिया, अपना पेट भरने का सहारा। हाँ, मैं तानिया का गुनहगार हूं और मैं पश्चाताप करने को भी तैयार हूं। तानिया मुझे जो भी सजा देना चाहती है मुझे मंजूर है। तेरी बेहूदी दलील, तेरी जलील हरकतों का पर्दा नहीं बन सकती। एक बार मुझे मेरी गुड्डी मिल जाने दे, फिर मैं तय करूंगी तेरी सजा क्या होगी। ये लो, खाना खा लो। तू यहीं रुक, इन पुलिस वालों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है, संभाल के। हेलो, अरे नहीं है इंस्पेक्टर साहब, अरे बाबा कमिश्नर के साथ मीटिंग में है। हाँ ठीक है। अरे वाह साहब के वजीर, आज अचानक कैसे हुए हाजिर? हाँ इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अरे कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग में गए हैं। शिट, क्या हुआ विकी? गुड्डी तो अंदर ही है मगर वो साला इंस्पेक्टर नहीं है। समझ में नहीं आता गुड्डी को बाहर कैसे निकाले। आइडिया, हेलो। हाँ दवे, इंस्पेक्टर मोहन बोल रहा हूँ। तू विकी को जानता है ना? उसे भेज रहा हूँ, गुड्डी को उसके हवाले कर दे। क्या? गुड्डी को उसके हवाले कर दे। ओके सर। साला। हेलो मोहन कहाँ है? ठाकुर साहब जी, वो जी वो पता नहीं, पर मोहन साहब ने किसी को भेज के गुड्डी को अभी अभी बुलवाया है। क्या? हाँ आते ही मेरे पास भेजो उसे। जी साहब। कौन ले गया गुड्डी को और तूने जाने क्यों दिया? अरे मोहन साहब आपने तो फोन करके आदमी को भेजा था। क्या, ये किसका फोन था? ठाकुर साहब का। छोड़ 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 मुझे, छोड़ छोड़। देखो मेरे पास मत आना, मेरे को आना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मेरे पास मत आना, नहीं मेरे पास मत आना। मैं हूँ तेरी आया। नहीं मेरे पास, बस कर बेटी, बस कर, बस क्या हो गया तुझे बेटी, बस कर। विकी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर यार। अरे मैं तेरा भाई हूँ, तेरा दोस्त हूँ। देख मैं हमेशा तेरे काम आया हूँ, आज मुझे तेरी जरूरत है। दोस्त मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा, बस गुड्डी को ढूंढ कर ला दे वरना जोगी ठाकुर मुझे मार डालेगा। समझने की कोशिश कर मेरे भाई, अगर आज गुड्डी नहीं मिली ना तो बचाने वाला ही मेरी जान ले लेगा। हाँ जोगी ठाकुर। उसे मेरे हवाले कर दे।
वरना इतनी गोलियां बरसाऊंगा कि तेरा नामो निशान मिट जाएगा। तेरी गोली में इतनी ताकत नहीं रही कि तू मुझे मार सके। आज तो मुझे यही देखना है कि तू मुझे मार सकता है कि मैं। शहर के क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। एक इंस्पेक्टर की लाश लावारिस की तरह गटर में पाई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिशन की पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चुनौती है और हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। वेट फॉर द रिजल्ट्स। सर, तानिया जेल में जेलर को गोली मारकर फरार हो गई। सर, इसे आप पुलिस की नाकामयाबी कहेंगे या कि तानिया की बहादुरी? व्हाट रबिश। क्राइम इज क्राइम, वो बहादुर कैसे हो सकता है? और पुलिस भी नाकारा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। तानिया जल्दी ही हमारी गिरफ्त में होगी। आज से 15 दिन पहले भी आपका यही दावा था। मैंने आपसे कहा था कि कोशिश जारी है। आपकी ये कोशिश कब तक जारी रहेगी? जब तक तानिया गिरफ्तार नहीं हो जाती। सर, लेकिन आम जनता आपसे समझ जाना चाहती है। एक हफ्ते के अंदर तानिया हमारी गिरफ्त में होगी। जेलर सरजा की तरह इंस्पेक्टर मोहन के कत्ल में भी कहीं तानिया का हाथ तो नहीं? नो कमेंट्स। सर, सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल ये फैसला कर रहा है, या तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाए या आप खुद रिजाइन कर दें। Then wait for that. सर, एक आखिरी सवाल। No more questions. Please सर, एक आखिरी सवाल। No more questions, please. हाँ मंत्री जी, नहीं है। हाँ, अरे भाई कल शाम को फोन करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ भाई, जनसत्ता हो या लोकसत्ता, मंत्री जी नहीं है तो किससे बात कराऊं? अरे जो भी होगा उसको कह देना मैं नहीं हूँ। जोगी ठाकुर, तुम? जोगी ठाकुर? ठाकुर साहब से जोगी ठाकुर, जोगी ठाकुर से जोगी, जोगी से जोगिया। अब ये क्या कर रहे हैं आप? साइन कर। ये क्या है ठाकुर साहब? तू इस्तीफा दे रहा है क्या? बीपी आई हो गया क्या? साइन कर इस पर। कुर्सी पर बैठते ही औकात भूल गया अपनी साला। ये भी भूल गया कि कुर्सी पर बैठाने वाला मैं हूँ। उसे ऐसे क्या भूलोगे ठाकुर साहब? इतने दिन हो गए, क्या किया तेरी पुलिस ने? काहे का होम मिनिस्टर है तू? जेल में जेलर को गोली मारकर तानिया भाग गए, क्या किया तेरी पुलिस ने? एक पुलिस इंस्पेक्टर को सरेआम कत्ल कर दिया गया, क्या किया तेरी पुलिस ने? मैं अभी पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ। 24 घंटे के अंदर कुछ करके दिखा, वरना इस साइन करके मेरे पास भिजवा दे। सिर्फ 24 घंटे हैं तेरे पास। सर, दफा हो जाए यहां से। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Guddi, happy birthday to you. Hey.
गुड मॉर्निंग सर। तो आ गए आप? जी हाँ। कमिश्नर भीष्म नारायण सिंह साहब, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, 24 घंटों के अंदर तानिया गिरफ्तार हो जानी चाहिए, वरना मुझे तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। या तो मैं तुम्हारा इस्तीफा तुम्हारे हाथ से छीन लूंगा, या तो फिर तुम्हें इस शहर से विदा करूंगा, और वो कहां तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मेरी गाल मशहूर है, परांदी में लिपटे ये बाल।
गौतम, तुम एक काबिल अफसर हो लेकिन तुम्हें कुछ खामियां भी हैं। सर खामियां हैं इसलिए चार दफा वर्दी उतर चुकी है, और थोड़ी काबिलियत है इसलिए पांचवीं दफा वर्दी मिल भी रही है। सर मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता, हमारी वर्दी हमारा स्वाभिमान है, इसे पहनने के बाद जुर्म मुजरिम गुनाह हमारे दुश्मन है, मगर हर बार हम अपने दुश्मन से मात खाते हैं, हम अपनी जान जोखिम में डालकर गुनहगार को पकड़ते हैं और अदालत उसे आजाद कर देती है। आखिर क्यों? हमारी इज्जत को 2% के लोग रौंदते जा रहे हैं, पुलिस को गाली देते हैं, मैं तिल मिला जाता हूं सर, बौखला जाता हूं। Don't be so excited, Gautam. सर फिर आप भी हमारे साथ क्यों नहीं कहते कि हमारे कानून का ढांचा ही गलत है? गलत है ये सफेदपोश। साली क्या थी इनकी बैकग्राउंड? गुंडे थे, आज डंडे की बदौलत मंत्री बने बैठे हैं, पूंजीपति बने बैठे हैं। कल ये फिर मुझे छेड़ेंगे, मैं कल फिर इन्हें मारूंगा और फिर आप मुझे सस्पेंड करेंगे। Gautam, I realize your feelings. थोड़ा सीनियर और तुमसे उम्र दराज और तुम्हारा वेलविशर होने के नाते मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। अपनी वर्दी को महफूज रखने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये मत कहिएगा सर कि अपनी वर्दी को महफूज रखने के लिए मैं अपनी ईमानदारी को इस्तीफा दे दूं। डोंट बी सिली Gautam, लोहा लोहे को काटता है और जहर को जहर से काटा जाता है, तो बेईमानी को ईमानदारी से कैसे काटोगे? ऐसा कैसे सोचते हो तुम? I got your point, sir. I'll try my best to change myself. All the best. क्या? इंस्पेक्टर Gautam को फिर से अवॉइड कर दिया है? भागे, भागे! तू मुझे जानता है? अच्छी तरह से। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोदाम में हाथ डालने की? गोदाम तो क्या, मेरी हिम्मत तो तेरा गिरेबान पकड़कर सड़क से घसीटते हुए सलाखों के पीछे फेंकने की है। तू मुझे नहीं जानता है। जोगी ठाकुर अपने आप में एक कानून है, समझ ले तू आज से सस्पेंड हो गया। आज क्या, मैं समझ लेता हूं कि मैं अभी से सस्पेंड हो गया। यानी मेरे भांजे का दूसरा गाल भी खतरे में है? भांजे, भांजे। 50 लाख समझ में नहीं आता क्या? चल कल फोन कर मेरे को। भांजे, भांजे। क्या है? अरे बड़ी बुरी खबर है, बड़ी बुरी खबर है भांजे। इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, मेरी मान अमेरिका से टकले। ब्लड प्रेशर हाई हो गया क्या? क्या बुरी खबर है भांजे? वो इंस्पेक्टर Gautam है ना, उसको फिर से नौकरी पर रख लिया गया है। समंदर शांत है तो ये मत समझो कि ठहरा हुआ पानी है। जिस दिन उफान आ गया न मालूम कितनों को ले डूबेगा। सुनो राहुल, राहुल सुनो मेरी बात। बोलो। देखो कमिश्नर ने इंस्पेक्टर Gautam को फिर से रिजॉइन करवा दिया है। अरे यार वो पुलिस स्टेशन है, कोई ना कोई तो वहाँ ज्वाइन करेगा ही ना। मजाक छोड़ो राहुल, इंस्पेक्टर Gautam कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। अच्छा? है और मालूम है उसको खास तौर पर तान्या की गिरफ्तारी के लिए बुलाया है। पागल हो गई हो क्या? ताना कोई बकरी का बच्चा है कि जिसने चाहा जब चाहा दौड़ के पकड़ लिया? इंस्पेक्टर Gautam कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इंस्पेक्टर Gautam कैसी चीज है? तोप है क्या? हाँ तोप है। अरे छोड़ो यार, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उस सरफिरे इंस्पेक्टर में आपने ऐसी क्या खासियत देखी जो उसे दोबारा ड्यूटी पे बुला लिया? मुझे अफसोस है सर, आप इंस्पेक्टर Gautam के बारे में वाकई ज्यादा नहीं जानते। वो कई बार सस्पेंड जरूर हुआ है लेकिन अपने फर्ज से कोताही करने के जुर्म में नहीं, बल्कि अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम देने के जुर्म में। सर इंस्पेक्टर Gautam मुजरिम के गिरेबान में हाथ डालने से पहले ये नहीं सोचता कि उसके पीछे कौन है, उसकी पहुंच कहां तक है, वो उसे सिर्फ मुजरिम समझता है। आपने उसे क्या
शेरलॉक होम्स समझ रखा है क्या? काबिलियत तो उसमें यही है सर, मगर अफसोस कि ना तो आपकी नजरों में उसकी कोई कदर है ना कानून की नजर में। तो तुम्हें क्या लगता है वो ताने को भी? मुझे पूरा यकीन है सर, आप देख लीजिएगा उसके कदमों की आहट मुजरिमों में खलबली पैदा कर देगी। कहा हो दुबे जी? सर बहुत बढ़िया है। मेरा सैल्यूट सर? नहीं, तुम्हारी घड़ी। थैंक यू सर। राडो है सर, आपके जाने के बाद ली। हाँ, और मेरे जाने के बाद ये डाडो भी तो बढ़ा। सर सर, ये फोन बीमार है? दुबे जी। सर, जयंत पत्रकार की फाइल लाओ। यस सर। कहाँ है? क्या हुआ दुबे जी, बहुत परेशान हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे साहब ने वो पत्रकार जयंत की फाइल मंगवाई है। जयंत की फाइल? हाँ। अरे यार, उसे मरे हुए तो एक जमाना हो गया। हाँ यार, ये गौतम साहब भी ना गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने में लग गए। अब अल्लाह ही मालिक है अपना। दुबे जी सो गए कहाँ? जाइए सर, फाइल। हेलो जी सर, थैंक यू सर। सर आपने जिम्मेदारी सौंपी है तो अब उसे पूरा करके ही रहूंगा। नहीं सर, घबराने की कोई बात नहीं। जी जी जी, थैंक यू। हाँ हेलो, नैनी काटे साहब, कानून अपना काम। दुबे जी जय हो। सर ये मुझे रिश्वत दे रहा था। ए, तुम पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे थे? हाँ। कितनी? जी 500 रुपए। 500 रुपए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे इतना बड़ा डील डॉल, इतना बड़ा पेट, इतनी बड़ी पर्सनालिटी वाले हवलदार दुबे को तुम सिर्फ 500 रुपए दे रहे थे? छी 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 छी, गलती होगी साहब। तो गलती को सुधारो, अब 5000 रुपए दो। दुबे। यस सर। सुनो, आधा मेरी टेबल पे पहुंचा देना। यस सर, जय हिंद सर। सर फिर गया है तुम्हारा और तुम्हारे डिपार्टमेंट का। तानिया को पकड़ने के लिए गौतम। क्या है, गौतम ही उसे पकड़ सकता है? अगर तानिया नागिन है ना तो गौतम सपेरा है, वो उसके हाथों बच नहीं सकती। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उस गौतम ने मेरी तरफ नजर उठाने की भी कोशिश की ना। कैसी बात कर रहे हो सरकार, पहले ही 4 दफा सस्पेंड हो चुका है, अब की बार तो डिसमिस ही होगा। वो तो डिसमिस बाद में होगा, पहले मैं तुझे तेरी जिंदगी से डिसमिस कर दूंगा। अब जा। अब तुम इस लायक हो गई हो कि तुमसे शादी की जा सके। लाइन मारना तो कोई तुमसे सीखे। अरे अपनी चीज पे लाइन मारने की क्या जरूरत है? हाँ, और बातें बनाना भी कोई तुमसे सीखे। ये लो। अच्छा कभी बातें बनाना कभी लाइन मारना क्या है? देखो ये मैंने खीर बनाई है, इसे चक्कर बताओ खीर कैसी बनी है। अब तुमने अपने हाथों से बनाई है तो टेस्ट तो करनी ही पड़ेगी भाई। लाइए।
राहुल राहुल
तो आदमी है, चट्टान है यार। आदमी, तुझे जरूरी बात करनी है। अरे यार, तू जब भी आता है कोई ना कोई जरूरी बात करने आता है, तुम्हारी जरूरी बातों में कोई दम नहीं होता। अरे राहुल, कभी तो सीरियस रहा कर स्टूपिड। चल सीरियसली बोल, क्या बात है? देख, मुझे एक ऐसे आदमी का पता चला है जो जोगी ठाकुर का दाहिना हाथ है। अगर हमने इस आदमी को मार दिया ना, तो समझ ले हमने जोगी ठाकुर की कमर तोड़ दी। और वो कल MH02M1049 से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हम उसकी कमर तोड़ते हैं, बाद में उसका सर कुचलने में बहुत आसानी होगी। तान्या, तू मेरे घेरे में फंस चुकी है, अब तू बच नहीं पाएगी। गाड़ी स्टार्ट कर। गौतम ये है, इंस्पेक्टर गौतम वो है, इंस्पेक्टर गौतम तोप है, फलाना है, ढिमका है। क्या हुआ तुम्हारे इंस्पेक्टर गौतम को? कहां गई उसकी सारी की सारी काबिलियत? उसकी आंखों के सामने हमने कान्या का कत्ल किया, आंखों के सामने। बेचारी पूजा का इंस्पेक्टर गौतम। तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं इंस्पेक्टर गौतम को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी हार नहीं मानेगा और ना ही कभी चुप बैठेगा। अब हमें अपना अगला कदम बहुत ही सावधानी और चतुराई से उठाना होगा। चतुर कितने हैं ये साबित कर चुके हैं। अब जोगी ठाकुर की मौत गौतम इंस्पेक्टर क्या विधाता भी नहीं रोक सकता। सुना? अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। वालेकुम सलाम। हुजूर, इसमें बार में काम करने वालों की पूरी खबर है। लेकिन हुजूर, इस छोटे से मुंह में एक बड़ी सी बात अटक गई है। फौरन उगल डालो, नहीं तो गले में अटक जाएगी और फिर ना निकलते बनेगा ना उगलते बनेगा। हुजूर, आपका मिशन तो तानिया को पकड़ना है, लेकिन जोगी ठाकुर के लिए जाल बिछाने का क्या मामला है? ये कुछ तानिया की कहानी जो पुलिस के सामने है, मुझे लगता है वो अधूरी है। उसके चार पांच पन्ने तो हमारे पास है ही नहीं, और अधूरी कहानी से अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। असल मियां, मुझे लगता है कि जोगी ठाकुर तान्या की कहानी के इन चार पांच पन्नों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हुजूर, आपको यकीन है जोगी ठाकुर आपके जाल में फंस जाएगा? नहीं असलम मियां, इस जाल में तो मुझे ही फंसना है और मुझे ही फंसाना भी है। मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आई हुजूर, लगता है हुजूर ने बहुत बड़ी चाल सोच रखी है। शतरंज के खेल में चालों का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है शय का, जो सामने वाले राजा को मात देती है। अब देखना यह है कि यह चाल सिर्फ चाल रह जाती है या शय बनकर जोगी ठाकुर को मात देती है। असलमिया, इस चाल में हमारा पहला प्यादा होगा बाबूराव। ये क्या हो रहा है बाबूराव? बस चमत्कार हो रहा है, बहुत पहुंचे हुए बाबा, कहते हैं सबके बाप हैं। क्या बकवास कर रहा है ये? देखिए सभी की किस्मत का हाल बता रहे हैं। हटिए यहाँ से, हटिए, चलिए हटिए, क्या बेल लगा रखी है, चले जाइए अपनी अपनी सीटों पे, जाइए जाइए। बाबा अंदर चलिए। अंदर तो हम करवाते हैं। आइए बाबा, इधर आप यहाँ बैठिए। बाबा आप मेरे बारे में कुछ बताइए।
पिछले 5 साल से इस लाइन में हो। हाँ। उसके पहले सिनेमा के टिकट ब्लैक करते थे, 5 का 10, 5 का 10, सच या झूठ? बाबा बात तो सच है, मगर जरा धीरे बोलिए। हाँ? रेस के शौकीन हो। हाँ। 3 महीने से तुम्हारी किस्मत के घोड़े तुम्हारे खिलाफ दौड़ रहे हैं, कर्ज में फंस गए हो। पूरे 12 लाख बाबा, मेरा कल्याण कीजिए बाबा, बुकी लोग मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं। अब से 2 घंटे बाद तुम ऐसी जगह जाओगे जहाँ पहुँचने के बाद फिर ये 12 लाख के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। सच बाबा? डर गए? चिंता मत करो, हम तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे, लेकिन तुम्हें उपाय करना होगा। मैं करूंगा बाबा, आप बताइए करना क्या है। मंत्र का जाप किसी ऊंचे नशे के साथ। ऊंचा नशा तो रम या विस्की? उससे भी ऊंचा, नहीं तो बुकी लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोच। तो चरस या गांजा चलेगा? ये तो 12,000 का उपाय है, तुम्हारा केस तो 12 लाख का है, सोच। तो फिर तो नहीं कर सकते हो तो चलूं? नहीं बाबा नहीं। अफीम? अफीम तो काली होती है, तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। अच्छा तो कोकीन या हेरोइन चलेगी? दोनों चलेंगी, जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। अभी लाया। हाँ यही रुकिए। सर लगता है जोगी ठाकुर को पकड़ने का मुहूर्त भी करीब आ रहा है। बाबा ये लीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छे बचुआ, इसको जेब में डाल लो। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भांजे भांजे भांजे, अरे भांजे भांजे, दुनिया की खबर छोड़ अपनी खबर ले, मेरी मान अमेरिका सटक ले। अरे मैंने अपनी आंखों से शैतान को इधर आते देखा है। मामा बीपी हाई हो गया है क्या? शहर में मुझसे बड़ा शैतान और कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर गौतम। आओ आओ इंस्पेक्टर, आखिर हमारे दौलत खाने में आने का सुख तुम्हें मिल ही गया। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, मेरी इतनी पुरानी इच्छा आज जाकर पूरी हुई है। आपके लोगों को बंद ना करता तो शायद आज भी आपके दर्शन नसीब ना होते। तुम यहाँ आ गए हो इंस्पेक्टर, तो समझ लो तुम्हारी तकदीर बदल गई। मगर एक मशवरा देता हूं, जोगी ठाकुर के धंधे पर कभी अपनी नजर गंदी मत करना। अंधा हो जाऊं ठाकुर साहब अगर ऐसा ख्याल भी दिमाग में आ जाए? मैं कहां चाहता हूं कि चंद पैसों के लिए आपके लोगों के पास जाऊं, लेकिन क्या करूं, सरकारी खजाने का मुट्ठी भर पैसा तो 2 दिन में पता नहीं कहां खिसक जाता है। अब बाकी के 28-29 दिन के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है इंस्पेक्टर, केवल जोगी शरणम गच्छामि का पाठ करते हुए भांजे के दिल में समा जाओ। गलत सलाह मत दो मामे, नश्तर को दिल में उतारोगे तो दिल फट जाएगा। वैसे भी बड़े लोगों का दिल बड़ा नाजुक होता है। और फिर ठाकुर साहब तो बड़प्पन का गोदाम है। तो फिर आगे आगे। बुरा मत मानना इंस्पेक्टर, राह में लाख आएंगे जुदा करने वाले, लेकिन जोगी ठाकुर ने जिससे एक बार हाथ मिला लिया, बस समझ लो उसे दोस्त बना लिया। वादा करो ईमानदार रहोगे? वादा रहा। ये हुई ना बात। तो फिर आज की शाम नई दोस्ती के नाम जश्न जाम। तान्या का नाम सिर्फ मेरी गोली पर लिखा है, वो इंस्पेक्टर साला उसे क्या मारेगा? वैसे भी 5 बार उसे वो मात दे चुकी है, बदला तो मुझे उससे लेना है। और उस पर भरोसा करके आप ठीक नहीं कर रहे, दोगला है साला दोगला। ना समझे तू, इंस्पेक्टर गौतम तो सिर्फ एक मोहरा है, मेरी समझ से एक फरार कैदी की जान अगर पुलिस की गोली से जाए तो बेहतर। हाँ? कौन है? चल चल देखते। कोई दिख नहीं रहा? हाँ? नहीं। हाँ? उधर उधर। हाँ? देखता हूँ। भांजे, भांजे, आ गया, आ गया, हो गया क्या?
कौन आ गया है? वही तुम्हारा चहेता, तुम्हारा नया शूटर जिसे तुमने तानिया को मारने के लिए पटाया है। आओ आओ गौतम, कैसी लगी हमारी महफिल की रौनक मामा? सपना, मैं सपने देखने से डरता हूँ ठाप। कहते हैं कि जश्न का सपना देखने से मौत की खबर मिलती है। तुम सही कहते हो इंस्पेक्टर, खबर मौत की ही मिलनी चाहिए। लगता है तुम्हारा सपना सच होगा, मैं अभी आया। सादी, तेरी गोली से तो मैं बच गई पर तो गई। सरजा! अरे यार, छोटा सा तो जख्म है, थोड़ा सा तो खून निकला होगा। तुम लोग इतनी चिंता मत करो यार। तुम लोगों ने अमिताभ बच्चन की अग्निपथ नहीं देखी? कितना चिल्लाते रहते हैं खून से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ। जब वो खून से लथपथ होने के बावजूद अग्निपथ अग्निपथ चिल्ला सकते हैं तो मेरा तो थोड़ा सा ही खून निकला है ना यार। और तुम लोग खामखा यूं ही तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो? राहुल, ये चेयर अप यार। ए, क्या नाटक हो रहा है? बैठे रहो। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों, क्या है इस कमरे में? कुछ भी नहीं, मगर तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास बताना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं तुम्हें मारने नहीं, बचाने आया हूँ, इन लोगों के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ। देखो, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन मेरे पास बताना। देख लिया, यही है तुम्हारे पुलिस वालों का असली रूप। जाओ, तुम भी अपनी भूख मिटाओ, मेरी कुट्टी कपड़े खुले तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, अपनी हवस मिटाओ, अपने अंदर की भूख को शांत करने के लिए तुम जो भी कहोगे वो करेगी। जाओ जाओ, और जाकर बाहर अपने साथियों से कहना कि इसने तुम्हें कितना जेलर सरजा, जिसके खौफ से हट्टे कट्टे मर्द का बदन सर्द हो जाए, उसी जेलर सरजा की मौजूदगी में एक मामूली सी विधवा सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग गई। इसे क्या कहें, लापरवाही या दगाबाजी? ना लापरवाही है ना दगाबाजी, साजिश है। कैसी साजिश, कौन सी साजिश, साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर गौतम,
इंस्पेक्टर गौतम ने उसे भागने का मौका दिया। मुझे तो आप जानते हैं, एक बार बंदूक किसी पर तन जाए उसका नामो निशान मिट जाता है। इंस्पेक्टर गौतम की दखलअंदाजी की वजह से वो भाग गई। गोली तो मैंने चलाई थी, और जानते हैं वो इंस्पेक्टर उस पर इतना मेहरबान क्यों है? उसकी नजर आ गई है उस औरत पर। कल तक आपका आदमी रहा होगा, आज आपकी आस्तीन का सांप है, कभी भी डस सकता है। ए, इस गाल पर ये तमाचा ये याद दिलाने के लिए था कि गंदी औरत की गंदी जबान पर गंदे तरीके से इंस्पेक्टर गौतम का नाम आया। ये मत भूलो कि तुम ठाकुर साहब के टुकड़ों की मोहताज हो, और ठाकुर साहब ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तुम्हारे लिए हम दोनों बराबर हैं। तुमने भी तो तान्या को भागने का मौका देकर दोस्ती में गद्दारी की है, क्यों? ठाकुर साहब, सवाल सिर्फ गौतम करता है, ये शर्त हमारी दोस्ती बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्या बात है सर? ये गर्ल्स स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था, आज पकड़ में आया। मेरे पास बताना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। लड़कियों के स्कूल के सामने छेड़खानी करता है? सर प्लीज सर रहने दीजिए सर प्लीज मर जाएगा वो सर। ऐसे कमीनों का मर जाना ही अच्छा है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है हराम खोर, बंद कर दो इसे। सर आपका ऐसा गुस्सा तो मैंने पहली बार देखा। मैंने भी जो कुछ वहां देखा वो पहली बार देखा। बंद कर दो इसे। छोड़ दे मुझे। उस दिन तो मेरे हाथों बच गई थी, लेकिन आज नहीं बच पाएगी। गौतम, अगर तुम किसी वजह से परेशान हो तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर के अपने घर चले जाओ। तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी तान्या को गिरफ्तार करने की, और तुम जयंत का केस बीच में लेके आ गए। मुझे मालूम है सर कि तान्या को पकड़ने की जवाबदेही मुझे सौंपी गई है,
और उसे सलाखों के पीछे बंद करना हमारा फर्ज है। पर सर, हर पहलू पर विचार करने पर भी तान्या केस की कड़ी कहीं ना कहीं जाकर जयंत केस पर अटकती है। अगर आप तान्या केस पर अच्छी तरह से गौर करेंगे तो मेरी तरह आप भी महसूस करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोषी है जोगी ठाकुर। चलो, तुम्हारी बात मान ली, बैठो। क्या सबूत है तुम्हारे पास उसके खिलाफ? किस बिना पर गिरफ्तार करोगे उसे? गौतम, उसका नाम है जोगी ठाकुर। अगर बिना किसी सबूत के उस पर हाथ डालने की कोशिश की तो शहर में दंगे हो जाएंगे। दंगे सर, दंगा तब होगा जब प्रशासन की पकड़ ढीली होगी। चुस्त प्रशासन तो बड़े से बड़े खलीफे को दुरुस्त कर देता है। ये तो डोंट टॉक रबिश गौतम। चार बार सस्पेंड होने के बाद भी तुम जोगी ठाकुर को नहीं समझ सके? अरे सबूत लाओ, गिरफ्तार करो उसे, मुझे क्या इतराज होगा? ओके सर, मैं आपकी इस जिद को जरूर पूरा करूंगा। जोगी ठाकुर के खिलाफ सबूत भी लाऊंगा और तान्या को भी गिरफ्तार करूंगा, ये मेरा वादा है। जयंत सर, तुम यहाँ से चलो। राहुल, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती और ना ही तुम्हें रहने दूंगी। तुम चलो राहुल। पूजा जी, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपनी माँ की मौत का सदमा तुम्हारे सहारे बर्दाश्त किया है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती राहुल। पगली, तुम भूल गई हमारा मकसद? बाहर में गया वो मकसद, तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं? पर पूजा। नहीं राहुल, चलो पूजा? चलो प्लीज, चलो यहाँ से। पूजा मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं राहुल, चलो ना।
मकसद नहीं भुलाएंगे। छोड़ो यारो बात पुरानी, ओ छोड़ो यारो बात पुरानी, सबसे हसीन है ये जिंदगानी, सबसे हसीन है ये जिंदगानी। तुम हराम खोरों से बुलवाना मुझे अच्छी तरह आता है। बोल, पत्रकार जयंत की हत्या में किन किन लोगों का हाथ है? मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मालूम। हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। हाँ सलीमिया, कैसे हो? अरे हुजूर, रूल और खाल से फुर्सत मिले तो। ओ, कोई खास बात? बात तो खास ही है हुजूर। आज जोगी ठाकुर बाहर आ रहा है, और बाहर आने का मतलब है कोई साजिश। साजिश? हाँ हुजूर, बाहर आना तो सिर्फ दिखावा है, असली मकसद है तानिया, उसके साथियों और गुड्डी को ऐसी मौत देना कि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। हुजूर, जिसके दिल में गरीबों के लिए असीमित जगह है, जो दया का अथाह समंदर है, जिसने आप सभी गरीबों के लिए कॉलोनी बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, उसी महान भांजे जोगी ठाकुर से नम्र निवेदन करता हूं कि वो माइक पर आकर आप लोगों पर अमृत वर्षा करें। आओ ना। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज आप लोगों को इतनी बड़ी जनसंख्या में यहां देखकर मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। भांजे, भांजे, मेरी मां अमेरिका सटक ले। बकवास बंद करो मामा। भांजे अमेरिका मत सटक, लेकिन यहां से तो सटक ले। पीछे करा
गुड्डी गुड्डी मेरी बच्ची कुछ नहीं हुआ, मेरी बच्ची कुछ नहीं हुआ। गुड्डी 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 मेरी बच्ची मेरी गुड्डी मेरी गुड्डी। मेरा तुमसे वादा है, जोगी ठाकुर को मैं सजा दिलवाऊंगा, मैं उसे पकड़ूंगा जिंदा या मुर्दा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, नहीं उसे नहीं, तुम उसे नहीं मारोगी। सबसे पहले वो कानून का मुजरिम है, कानून उसे सजा देगा, न मैं न तुम। जोगी ठाकुर, अच्छा घर है, अब नए घर जाने की तैयारी करो। मेरा घर तो यही रहेगा इंस्पेक्टर, मगर डर है कि मुझे नया घर दिखाने के चक्कर में कहीं तू बेघर ना हो जाए। मेरी फिक्र मत कर जोगी ठाकुर, तू अपनी फिक्र कर, और ये मत भूल कि इंस्पेक्टर गौतम अब तेरे पीछे पड़ा है, जो कि अपनी जिद पूरी करवाने के लिए पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर है। तेरे डिपार्टमेंट में मशहूर तो मैं भी बहुत हूँ। जिसके सामने एसपी कमिश्नर घुटने के बल खड़े रहते हों, उसका तेरे जैसा एक मामूली इंस्पेक्टर क्या बिगाड़ लेगा। मुझ पर हाथ डालने के लिए वारंट लेकर आया है। वारंट भी आ जाएगा जोगी ठाकुर, क्योंकि तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। तेरे आला अफसरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे पूछे बगैर मेरे खिलाफ वारंट दे दें तुझे। वारंट तो बहुत मामूली चीज है जोगी ठाकुर, तेरे और मेरे ही चगर ये अफसर ना होते तो मैं तेरी मौत लाने में भी नहीं झिझकता। तैयारी कर ले सलाखों के पीछे जाने के लिए। ठाकुर का अरेस्ट वारंट चाहिए। क्या? मुझे जोगी ठाकुर का अरेस्ट वारंट चाहिए सर। तुम होश में तो हो? सर मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि मैं आपको पागल दिखाई देने लगा? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। आखिर तुमने जोगी ठाकुर को समझ क्या रखा है? एक मुजरिम, एक ऐसा मुजरिम जिसे सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। आप मुझे वारंट दीजिए, मैं उसे गिरफ्तार करके फांसी की सजा दिलवाऊंगा। शट अप! तीन बार तुम मुझे ये कहानी सुना चुके हो, और सैकड़ों बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बिना सबूत के न मैं कुछ कर सकता हूँ और न तुम। सबूत सबूत सबूत, कितने सबूत चाहिए सर? मेरे सामने खुद उसने गुड्डी पर गोली चलाई है। शेम करता हूँ, शेम। एक चश्मदीद गवाह मुझे बता रहा है कि उसने उसके सामने गुड्डी पर गोली चलवाई। अरे जाओ और जाकर पकड़ो उस आदमी को जिसने उस पर गोली चलाई। मुझे नहीं लगता गौतम कि तुम अपने रिटायरमेंट तक कभी भी इस जोगी ठाकुर नाम के आदमी को समझ पाओगे। मैं उसे समझना भी नहीं चाहता सर, मैंने सिर्फ इतना समझाया कि हमारी वर्दी का एक एक धागा हमारे लिए रक्षाबंधन है, जिसे पहनकर मैंने कानून और फर्ज को ईमानदारी से निभाने का वचन दिया है। पुलिस फ्लैग को सल्यूट कर जुर्म और मुजरिम का सफाया करने की शपथ ली है। सर मैं जोगी ठाकुर से नहीं डरता, मेरी नजरों में वो एक मुजरिम है, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा और आप मुझे वारंट देंगे। नहीं तो सर फिर से आप वर्दी उतरवा लीजिए मेरी, कर दीजिए मुझे सस्पेंड, दे दीजिए अखबार में इश्तेहार कि डिपार्टमेंट को जरूरत है दुम हिलाते वर्दी पहने पीछे पीछे आने वाले कुत्तों की। सर अब आप मुझे वारंट नहीं देंगे, क्योंकि आप भी जोगी ठाकुर से डरते हैं, आप भी उसकी सरपरस्ती में जीना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जोगी ठाकुर जिंदाबाद, जोगी ठाकुर जिंदाबाद। सर एक दिन आपने मुझे वर्दी दी थी,
आज मैं आपको अपना रेजिग्नेशन देता हूं। कूल डाउन गौतम। एक बार पहले भी मैं तुम्हें वर्दी पहनाकर अपने सीनियर्स का निशाना बन चुका हूं। चलो एक बार और सही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद। आज तो मैं जवान हो गया हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गया हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, कौन जाएगा रे अमेरिका? जोगी ठाकुर। अरे कौन है रे, बाल काले नहीं करने देगा क्या? ये देख, तेरे लिए जेल यात्रा का टिकट लेकर आया हूँ। देख कमीने, अमेरिका जाना है क्या? कहाँ है तेरा भांजा? भांजे! कहाँ है जोगी ठाकुर? अरे बचाओ, बचाओ भांजे, मामा को पटक दिया। हेलो, अमेरिका की फ्लाइट कितने बजे की है? अमेरिका की? बुला उसका। वो यहाँ नहीं है, वो तानिया और उसके साथियों को मारने के लिए हमेशा हमेशा के लिए गया है। यहीं कहीं छुपी होगी कुतिया, जाओ ढूंढो उसे। इतनी गोलियां चलाओ कि इंसान तो इंसान, परिंदे और कीड़े मकोड़ों का भी नामो निशान मिट जाए। गोलियां थमने के बाद यहाँ शमशान से भी ज्यादा सन्नाटा हो। सुनाई पड़े तो सिर्फ जोगी ठाकुर की चिंगार। ढूंढो उसे, जाओ। Thank you.
जाओ, यहीं कहीं है। चल, चल, चल। छोड़ मुझे। चल। छोड़ो। तानिया, ये देख तेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। बाहर निकल वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका। चल, चल। आजा, आजा। छोड़ दे मुझे। तानिया, तानिया। ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो। नहीं 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 विकी, मैंने अपनी तरफ से नहीं बुरी कोश। नहीं 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 माँ। ये क्या कर रही हो तानिया? ये कानून का मुजरिम है, कानून इसे सजा देगा और साथ ही तुम पर लगे दाग को भी यही धोएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तितराशपना कानून क्या किसी को सजा देगा? इसकी सजा मौत है और मैं इसकी मौत हूं। और जो सामने से नहीं, मैं तुम्हें किसी कीमत पर ये गुनाह नहीं करने दूंगा। ले चलो इसे। सारे के सारे गवाह, पक्ष और विपक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत यह मानती है कि भावनाओं का इससे कोई संबंध नहीं, पर्याप्त सबूत न होने के कारण, लिहाजा यह अदालत जोगी ठाकुर को बाइज्जत बरी। रुक जाइए जज साहब। जिसे सारा शहर एक खूंखार अपराधी मानता है उसे आप इज्जत के साथ रिहा कर रहे हैं? क्या इस देश का कानून कानून नहीं दलदल है जहां इंसाफ धंसता जा रहा है, या एक मृग तृष्णा जहां इंसान एक आस लेकर भाग रहा है मगर हासिल होती है निराशा? जिस दिन जनता को असलियत का पता चल गया, याद रखिएगा, वो अपना फैसला खुद करेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफिसर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सॉरी मी लॉर्ड। तानिया केस की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है और यह अदालत जोगी ठाकुर को बाइज्जत बरी करती है। अब बधाई हो, बधाई हो भांजे, बधाई हो। यहाँ से तो छूट गया, अब मेरी मान भांजे अमेरिका सटक ले। नहीं सॉरी। वाह इंस्पेक्टर, वाह, तुम अच्छे वक्ता ही नहीं अच्छे अभिनेता भी हो। तुम जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में दो चार और आ जाए तो इंसाफ तो क्या, इंसाफ के डर से लोग भाग जाएंगे। भांजे, तो अब यहां से जाने के बारे में क्या सोचा है? हाँ भांजे, मामा अब तू सटक ले अमेरिका। आ, 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 आ,
अब मेरे जिस्म पर वर्दी नहीं रहेगी, लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट में एक भी ईमानदार अफसर रहेगा, इंसाफ जिंदा रहेगा।